हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं आपके लाई हूँ क्रिसमस के लिए या फिर किसी भी फेस्टिवल फ्रेंड या फिर फैमिली के लिए, आप खुद के लिए भी बना सकते हैं। कुकीज़ बहुत ही कम सामान से बनी है और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। और इसमें एक जो स्पेशल कुकीज़ है वो है ये वाली, जो हमारी मिरर ग्लेज वाली स्प्रिंकल के साथ है, जो इसके अंदर स्प्रिंकल है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। एक कुकीज़ मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से बेक हुई, आप पीछे से भी देख सकते हैं। ये देखिए, आपने आवाज़ अगर सुनी हो तो बहुत ही अच्छी और खस्ता ये बेक हुई है। यहाँ पे एक सूखा बर्तन लेंगे, उसमें पानी नहीं लगा होना चाहिए। इस रेसिपी में मैं दूध या पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि दूध और पानी के जो हम यूज़ करते हैं बिस्किट का आटा बनाने में, उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। तो आप ध्यान रखें कि आपका ये जो बर्तन हो वो सूखा हो। उसमें हम डालेंगे 1 कप पाउडर शुगर और इसमें हम मिलाएंगे 1 कप घी। आप घी के बदले बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो बटर आपका रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, वरना वो अच्छे से इसमें मिक्स नहीं होगा। और आप मार्केट का घी, घर का घी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं घर का घी यूज़ कर रही हूँ। और अब इसे हमें बहुत अच्छे से फेंट लेना है, ताकि हमारा जो घी और चीनी है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और बहुत ही हल्का हो जाए कलर में भी और क्वांटिटी में भी। मैं इसको हैंड ब्लेंडर, आप इलेक्ट्रिक ब्लेंडर किसी से भी फेंट सकते हैं। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो हैंड विस्क होता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, फेंटने के बाद इस तरीके से बहुत ही अच्छा ये क्रीमी इसका टेक्सचर हो जाता है। इसमें हम मिलाएंगे 1/2 TSP एसेंस। मैं यहाँ पे वेनिला एसेंस मिला रही हूँ। आप कोई और फ्लेवर करना चाहते हैं तो आप किसी और फ्लेवर का एसेंस मिला सकते हैं। और इसमें अब हम मिलाएंगे 2 कप मैदा। यहाँ जो मेजरमेंट है वो हमारा ऐसा है कि अगर हम 2 कप मैदा ले रहे हैं तो 1 कप चीनी और 1 कप घी लेंगे। अगर आप 3 कप मैदा लेंगे तो वो मेजरमेंट रहेगा, आप 1.5 कप चीनी और 1.5 कप घी लें। और अब इसमें मुझे हाथ को थोड़ा सा करना पड़ेगा मैसी और इसको हम हाथ से मिक्स करेंगे। बहुत दबा दबा के, प्रेशर देके ना मिक्स करें, बस नीचे से जो घी है उसको हमें मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेना है कि हमारा डो बन जाए। मेरा यहाँ पे बर्तन शायद छोटा पड़ गया है, आप थोड़ा सा बड़ा बर्तन लें ताकि आपको मिक्स करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ये देखिए, जो आटा है वो आपस में अब ये बंधने लगा है। तो ये देखिए, हमारा जो आटा है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको अब हम अच्छे से बेल सकते हैं। इसमें मैंने ना बेकिंग पाउडर मिलाया है ना बेकिंग सोडा मिलाया है। बहुत ही कम सामान से आपकी बहुत ही बढ़िया कुकीज़ बन जाएगी ये क्रिसमस के लिए या किसी भी ओकेजन के लिए, किसी को गिफ्ट देने के लिए। और इसमें आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आप घी में बना रहे हैं तो इस थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में घी डाल देंगे तो बहुत अच्छे कुकीज़ बन जाएंगे। आप मेजरमेंट से ज़्यादा घी ना डालें, क्योंकि हो सकता है जब आप इसको बेक करेंगे तो घी मेल्ट होगा और आपकी कुकीज़ फैल जाएगी और थोड़ा जल्दी जल जाएगी। अब नेक्स्ट प्रोसीजर हमें ये करना है कि इस डो को हम बेलेंगे। मैंने लिया है बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो मैं लिंक में उसका वीडियो का शेयर कर दूंगी कि आप घर पे किस तरीके से बटर पेपर बना सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं बटर पेपर का तो आप कभी कभार घर में बना के भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको खरीदना ही पड़ेगा। और इसको इस तरीके से कवर करके अब हम इसको बेलेंगे बेलन से। बहुत ज़्यादा
प्रेशर अचानक से ना दें कि वो एक तरफ से टूट जाए या ऊपर नीचे हो जाए। हर तरफ से घुमा घुमा के अच्छे से इसको लेवल में कर लें। साइड से जो भी क्रैक आ रहे हैं उसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि साइड की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ ये मैंने कितना मोटा बेला है, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है ये साइड से और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। इसको अब हम शेप्स में कट करेंगे। यहाँ मेरे पास कुछ कुकी कटर हैं जिनका मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये ध्यान रखें कि आपको हर शेप का दो पेयर में कुकीज़ कट करनी है। और थोड़ी बहुत जो जगह बच गई है उसको हम छोड़ देंगे। अब साइड के जो बाकी आटा है उसको हम हटा लेंगे। ये हमारा वेस्ट नहीं हुआ है, इसको हम फिर से बेलेंगे। पहले हमने जो शेप्स कट किए हैं उनको हम हटा के बेकिंग ट्रे में डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको लगे कि उठाने में ये शेप टूट ना जाए तो यहाँ मैंने फ्लैट वाला जो हमारा करछुल होता है उसको यूज़ किया है। आपको स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से बेकिंग ट्रे में रख दें। बेकिंग पेपर लगाना ज़रूरी है क्योंकि हम जो कुकीज़ बनाने जा रहे हैं उसमें हमारी कैंडी नीचे ना चिपके और जले ना, इसी वजह से हम यहाँ बेकिंग पेपर यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से जो थोड़ा सा और डो था वो भी मैंने बेल के अच्छे कुकीज़ कट कर लिए हैं। अब हमें नेक्स्ट जो करना है इनके अंदर भी हमें कट लगाना है। तो ये स्टार के लिए मैंने अंदर भी स्टार का ही शेप का लिया है और ये आप ट्रे में रखने के बाद ही कट करें ताकि आपके जो कुकीज़ हैं वो उठाने में टूटे ना। और अगर आपके पास कुकीज़ कटर ना हो तो आप किसी भी शार्प ढक्कन से भी ये काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अलग अलग शेप्स ले रही हूँ। ध्यान रहे कि आपको एक शेप्स के दो कुकीज़ करने हैं। और अब जो ये हमारे अंदर के शेप हैं इनको भी हमें निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरीके से जो शेप्स कट जाएंगे इन, ये भी वेस्ट नहीं है, इसको हम नहीं बेलेंगे, ये हमारे छोटे कुकीज़ बन जाएंगे। इसी तरीके से मैं बाकी भी शेप्स निकाल लेती हूँ इसके बीच में से।
तो यहाँ पे हमारी बेकिंग ट्रे तैयार है बेक होने के लिए। जब तक मैं ये रेडी कर रही थी, मैंने 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए ओवन को प्रीहीट होने के लिए रखा था, और अब हम रखेंगे इसको बेक होने के लिए सेम टेम्परेचर 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए। उसके बाद मैं बताती हूँ आपको आगे हमें क्या करना है। तो ये देखिए, जब तक हमारे कुकीज़ बेक हो रहे हैं, मैं यहाँ पे लाई हूँ कुछ कैंडीज़। यहाँ पे आपको ऐसी वाली टॉफीज़ लेनी है, ये इस तरीके वाली, आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं। और इन टॉफीज़ को हमें थोड़ा सा तोड़ लेना है ताकि ये मेल्ट होने में इजी हो जाए। तो ये देखिए, कुछ टॉफीज़ है हमारी क्रीम कलर की और ये पिंक है, और कुछ टॉफीज़ है हमारी ग्रीन कलर की। तो ग्रीन हम अलग एक साथ तोड़ेंगे, और ये वाली जो टॉफीज़ है इनको हम थोड़ा सा छोटे पीसेस में कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे 15 मिनट हमारी कुकीज़ बेक हो चुकी है, और इनका जो साइज़ है, आपने अगर ध्यान दिया हो तो वो साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ चुका है बिना बेकिंग पाउडर के। अब यहाँ पे हमें अपना ओवन बंद नहीं करना है, ओवन को आप कंटिन्यू ऑन रहने दें ताकि उसकी हीट ख़त्म ना हो, कम ना हो। और इन कुकीज़ को भी हम 2 मिनट के लिए बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, 2 मिनट बाद हम इसको पलट देंगे। और बहुत ही ध्यान से इसको उठा के पलटें, क्योंकि ये गर्म में बहुत सॉफ्ट होती हैं, इनको सेट होने के लिए कम से कम 3-4 मिनट लग जाते हैं। तो बिल्कुल भी हड़बड़ी ना करें, और बहुत ध्यान से इसको इस तरीके से सारे कुकीज़ पलट दें। और सारे कुकीज़ पलटने के बाद हमने जो यहाँ पे ये कैंडीज़ रेडी की थी, इसको हम थोड़ा थोड़ा इसमें डाल देंगे, बहुत ज़्यादा ना भरें। जितना उसमें आ पाए उतनी ही कैंडी डालें, एक्स्ट्रा ना डालें। तो ये देखिए, अब इसको मैं फिर से सेम 180 डिग्री के टेम्परेचर पे 5 से 7 मिनट के लिए रखूँगी बेक होने के लिए, ताकि हमारी जो नीचे का पार्ट है वो भी बेक हो जाए और हमारी जो कैंडीज है वो मेल्ट हो जाए। आप देख सकते हैं कितना जालीदार और अच्छा बेक हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका नेक्स्ट, ये कैसे होता है बेक होने के बाद। तो ये देखिए, यहाँ पर 7 मिनट में लगभग जो हमारी कैंडीज़ है वो भी मेल्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं सब में अलग अलग ऑरेंज, ग्रीन, पिंक, कुछ ट्रांसपेरेंट कलर है, इस तरीके से आया हुआ है। इसको अब हम पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसको हमें कैसे आगे चिपकाना है। ये देखिए, जब ये कुकीज़ ठंडे हो जाएंगे तो ये अपने आप ही बहुत आसानी से अलग हो जाएंगी बटर पेपर की हेल्प से। अगर हम बटर पेपर नहीं लगाते तो ये हमारी जो कैंडीज़ है वो उसमें चिपक जाती। धीरे धीरे हम सारी कैंडीज़ हमारी अलग कर लेंगे ट्रे से। मैं आपको इसमें अपनी मिस्टेक भी दिखाती हूँ। यहाँ पे जो ट्रे है वो मेरा देखिए लेवल में नहीं है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे, हल्का सा डिज़ाइन की वजह से। तो यहाँ मेरी जो कुकीज़ थी वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई थी, और इसमें कैंडी पूरी अच्छी तरीके से ना भरने की वजह से यहाँ यहाँ पे स्पेस रह गया है कैंडी का। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, आप अपनी ट्रे में पूरा भरने के चक्कर में अगर आपका ऐसा ऊपर नीचे का लेवल हो तो उस साइड पे आप अपनी कुकीज़ ना रखें, बराबर के लेवल में रखें। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चॉकलेट को मेल्ट की है, इसको
दो पेयर को आपस में चिपकाने के लिए। और साथ ही मेरे पास यहाँ पे कुछ कन्फिटो बॉल्स हैं, स्प्रिंकल्स आप कह सकते हैं, अलग अलग तरीके के। एक कुकीज़ में हम थोड़े से स्प्रिंकल भरेंगे। इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए डालना। और अब इसके चारों तरफ हम लगाएंगे चॉकलेट। और इसी शेप का जो हमारा ये दूसरा पेयर है उसके साथ हम इसको इस तरीके से चिपका देंगे। गर्मी के मौसम में अगर आपको लगे कि चॉकलेट से नहीं अच्छे से चिपक पा रही है कुकीज़, तो आपको यहाँ पे दो तार की चाशनी बनानी पड़ेगी और फिर आपको उसको इसी तरीके से चिपकाना पड़ेगा। बिल्कुल भी प्रेशर ना दें, यहाँ देखिए गलती से भी टूट सकता है। इसी तरीके से हम अपने सारे कुकीज़ रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाले कुकीज़ वो है जो हमने सेंटा के शेप निकाले थे, और ये वाले कुकीज़ वो है जो हमारे मिरर वाले स्प्रिंकल वाले हैं। ग्रीन कलर की वजह से आपको इसका अंदर का दिख नहीं रहा होगा स्प्रिंकल, पर आप इसमें देख सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, इनको मैंने चॉकलेट से चिपकाया हुआ है। बस ये देखिए, आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि आपके कुकीज़ का हर पार्ट पे कैंडी जो है वो अच्छे से मेल्ट होके जाए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी को ट्राई करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।